हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हैक। जब हमने पिछली बार गियर पंप देखा था, देन आज हम सेंट्रीफ्यूगल पंप देखने वाले हैं। गियर का पंप में मोस्टली डेटा बुक का यूज हुआ था, बट इसमें 99% नहीं, 1% ही डेटा बुक का यूज होने वाला है। देन लेट स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्वेश्चन इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। स्टैटिक सक्शन हेड 2.5 मीटर, लेंथ ऑफ सक्शन पाइप 6 मीटर, लेंथ ऑफ डिलीवरी पाइप 30 मीटर, स्टैटिक डिलीवरी हेड 50 मीटर एंड डिस्चार्ज दिया है 1000 LPM मीन्स लीटर पर मिनट। डिजाइन द इंपीलर शार्प बेरिंग एंड केसिंग, चेक ऑल द सुटेबल लेआउट ऑफ द पंप। देन हमें स्टेप वन में उसका लेआउट ड्रॉ करना है, लेआउट के लिए भी मार्क है। देन हमें डिलीवरी एंड सक्शन पाइप के डायमीटर फाइंड करने हैं, फिर इंपेलर डिजाइन करना है, देन जो आउटर केसिंग है उसे डिजाइन करना है, मोटर कौन सी है वो डिजाइन करना है, देन शाफ्ट का डायमीटर डिजाइन करना है। देन स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। स्टैटिक हेड 2.5 मीटर, डिलीवरी हेड 50 मीटर, नंतर लेंथ ऑफ सक्शन पाइप 6 मीटर, डिलीवरी पाइप की लेंथ है 30 मीटर, देन डिस्चार्ज दिया था उन्होंने हमें 1000 LPM लीटर पर मिनट। देन उनको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, देन इंटू 10^-3 हो गया मीटर क्यूब में, डिवाइड बाय 60 मीटर का हो गया सेकेंड में। देन हमें क्यू एक्चुअल मिल गया है, देन हमें क्यू थेरोटिकल फाइंड करना है, जैसे हमने गियर पंप में किए थी सेम वही स्टेप है। देन वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थेरोटिकल। आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी 0.95 रहती है। देन क्यू एक्चुअल हमें मिल गया है, देन क्यू थेरोटिकल हमें मिल जाएगा। देन स्टेप टू में डिजाइन ऑफ पाइप डायमीटर, जैसे हमने गियर पंप में सॉल्व किया था वैसे ही क्यू थेरोटिकल इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये किसका फॉर्मूला है? डिस्चार्ज का। देन एरिया आपको पता है पाई बाय 4D² देन वेलोसिटी आप 1 to 3 मीटर इन बिटवीन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन क्यू थेरोटिकल हमने फाइंड किया था, देन इधर हमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट मिल जाएगा मीटर में, उसको कन्वर्ट करना है MM में। देन क्यू थेरोटिकल अब डिलीवरी पाइप के लिए निकालना है हमें डायमीटर, देन क्यू थेरोटिकल हमें पता है, देन वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। देन डायमीटर ऑफ डिलीवरी 85.93 mm, आपको सब वैल्यू mm में कन्वर्ट करनी है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड क्या रहता है? HM, हमें HM फाइंड करना है। मैनोमेट्रिक हेड मतलब पूरा जो हेड है टोटल हेड उसे हमें ऐड करना है। फॉर्मूला है HS स्टैटिक हेड डिलीवरी हेड, देन HFS प्लस HFD प्लस V² डिवाइड बाय 2G। देन हमें HFS, आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, 4FL V² डिवाइड बाय 2G, उधर मैंने डायमीटर लिख लिया है। देन फॉर्मूला में वैल्यू पुट किए, हमें सब पता है, सब वैल्यू हमें किस में डालना है? मीटर में। देन HFS हमने फाइंड किया 1.859 मीटर, देन HFD भी सेम 4FL V² डिवाइड बाई D इंटू 2G, देन वैल्यू हमें पता है, HFD भी मैंने फाइन किया, देन मैंने HFD भी सॉल्व किया है। HFS एंड HFD क्या है? फ्रिक्शन लॉस इन सक्शन एंड फ्रिक्शन लॉस इन डिलीवरी पाइप। देन हमें V² डिवाइड बाई 2G, VD² हमने सिलेक्ट किया था, जो वेलोसिटी हमने इधर सिलेक्ट की थी वही आपको लेना है। VS भी वही लेना है, 2 लिया लेना है, और VD हमने इधर 3 लिया था वही हमें लेना है। देन VD 3 लिया था हमने, देन 3² डिवाइड बाय 2 × 9.81, देन V² डिवाइड बाय 2G भी हमें मिल गया है। देन वैल्यू पुट की इक्वेशन में, देन हमें HM मीन्स मैनोमेट्रिक हेड मीन्स उसे ही टोटल हेड भी कहते हैं 45.44 मीटर हमें मिल गया। देन स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 4 सिलेक्शन ऑफ मोटर। उसमें हमें फर्स्ट पावर कैलकुलेट करनी है। पावर का फॉर्मूला है वाटर पावर डिवाइड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। वाटर फॉर्मूला आपको पता ही होगा, अपने पावर इंजीनियरिंग में पढ़ा ही है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इंटू डिस्चार्ज इंटू HM, ओके। देन डिवाइड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी रहती है मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.95, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 0.95। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, अगर कैलकुलेट नहीं भी करते ना चाहते तो आप 0.75 to 0.85 इन बिटवीन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 0.80 सिलेक्ट की है। देन वैल्यू पुट की मैंने, ए स्टैंडर्ड वैल्यू रो इंटू जी की 1000 वाटर की डेंसिटी इंटू 9.81 इंटू क्यू एक्चुअल हमने निकाला था, HM मैनोमेट्रिक हेड भी निकाला था, देन एफिशिएंसी की वैल्यू आपको इधर दी है।
देन वैल्यू पुट करने के बाद पावर आया वैट में, उसको डिवाइड किया 1000 में, पावर कन्वर्ट हो गया किलोवाट में, 10.24 किलोवाट। देन सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड करना है 5.124 जैसे हमने गियर पंप में किया था, देन वैसे हमें इधर करना है 10.24 किलोवाट, उधर नहीं है बट 11 किलोवाट है स्टैंडर्ड वैल्यू, मैंने इधर लिख लिए। देन सेकेंड इज हमें स्पीड लेना है, जो मोटर का स्पीड रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देन ये आपको फॉर्मूला डेटा बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला पावर इंजीनियरिंग के लिए भी यूज करना पड़ेगा। देन फॉर्मूला है 10 HM^3/4 डिवाइड बाय रूट ऑफ क्यू एक्चुअल। फॉर्मूला सब वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट किए देन हमें स्पीड मिल गई 1358.39 RPM। बट आपको पता ही है सिलेक्ट स्टैंडर्ड स्पीड, जो हमारे स्टैंडर्ड स्पीड रहती है वो एक ही है 1440 RPM। सिलेक्शन ऑफ मोटर में थर्ड स्टेप है टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, वैसे स्पीड का फॉर्मूला था वैसे ही आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला को अपने उसको अपॉन के थोड़े एडजस्टमेंट किए, देन फॉर्मूला एन इन टू रूट ऑफ क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय HM^3/4, देन यन आपको उधर मिल गया था 1440 इन टू क्यू एक्चुअल भी हमें पता है, देन HM भी पता है, देन NS की वैल्यू आ गई 10 to 60। अगर हमें कंडीशन दी है 10 to 30 इन बिटवीन वैल्यू आती है तो लो स्पीड रेडियल फ्लो टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप 30 to 50, मीडियम स्पीड रेडियल फ्लो टाइप 50 to 80, हाई स्पीड देन 80 to 160 मिक्सेड फ्लो टाइप एंड 100 to 450 एक्सियल फ्लो टाइप। ओके देन हमारे वैल्यू है 10 to 30 इन बिटवीन वैल्यू है हमारे 10.60, तो मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप सिलेक्ट करता हूँ लो स्पीड रेडियल फ्लो टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपको इधर लिखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने डिलीवरी सक्शन पाइप के डायमीटर फाइंड किए, देन मोटर सिलेक्ट की, देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंपीलियर एंड वॉलेट केसिंग देखेंगे। इंपीलियर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इंपीलियर की डिज़ाइन प्रोसीजर बहुत बड़ी है। देन द वीडियो, अगर आपको कोई भी डाउट हो मशीन डिज़ाइन के बारे में या अदर मैकेनिकल रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में, देन आप मुझको मेल कर सकते हो study_hack2020@gmail.com पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।